आज की इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का थ्योरम 6.8 जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसका जो मेजर बी 90 डिग्री है। तो हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगा राइट एंगल का ऑपोजिट साइड है एसी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा एसी, इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स क्या है, एक तो ए बी है, इसका जो स्क्वायर है प्लस, और एक साइड है बी सी। अगर इन दोनों जो साइड है ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इन दोनों का जो अगर हम सम करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर के साथ। तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसे प्रूफ करने से पहले हमको पहले यहाँ पर गिवन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है ए बी सी एक ट्राइंगल है और यहाँ पर मेजर बी जो है 90 डिग्री है। तो पहले इसे लिख देते हैं गिवन में, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। इसके बाद टू प्रूफ हम लिख देते हैं, टू प्रूफ में हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद इसे प्रूफ करने, इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बी डी। तो अभी इसे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले हमको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले तो हम यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। पहले ए डी बी को सिमिलर करेंगे ए बी सी के साथ, इसके बाद बी डी सी को भी सिमिलर करेंगे ए बी सी के साथ। पहले ये जो ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर मेजर ए डी बी 90 डिग्री है और ये जो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है इसका भी मेजर बी 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इस तरह से ये जो बी डी सी राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो एंगल सी कॉमन है और बी डी सी में मेजर बी डी सी 90 डिग्री है और ए बी सी में मेजर बी 90 डिग्री है। इस तरह से हम ये दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर कर पाएंगे। तो पहले हम ए डी बी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, पहले मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ए है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इसके बाद मेजर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए बी सी 90 डिग्री ईच, इसे हम लिख देते हैं। इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो इसे भी लिख देते हैं ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। रीजन में लिख देते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो इन दोनों ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अभी लिख देते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। रीजन में लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो। यहाँ पर ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर AD भी ट्राइंगल में साइड AD है और यहाँ पर ABC में AB है, तो AD अपॉन AB यहाँ पर लिख दिया। अभी जो है दूसरा से ये देखिए यहाँ पर AB ले सकते हैं हम, इस तरह से AB फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरह से ए बी सी में फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा ए सी। तो ए बी अपन ए सी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, दोनों ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो अभी आपस में इक्वल हो गए। इसके बाद हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से मिलेगा ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, इसके बाद ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। सिमिलरली अभी हम और दो ट्राइंगल है, और दो ट्राइंगल कौन सा है, बी डी सी और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल को भी अभी हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ए बी सी वी हैव मेजर सी इज इक्वल टू मेजर सी, ये दोनों ट्राइंगल में आपस जो कॉमन है कॉमन एंगल है। इसके बाद बी डी सी में मेजर बी डी सी 90 डिग्री है और ए बी सी में मेजर ए बी सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो गए। लिख देते हैं अभी ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो गए तो
ये दोनों का जो ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं सी डी अपन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपन ए सी। रीजन में लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो। इस तरह से यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, यहाँ पर जो बी डी सी ट्राइंगल है इसका जो है सी डी, इस तरह से ए बी सी ट्राइंगल का बी सी, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सी डी अपन बी सी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। इस तरह से बी सी फर्स्ट एंड थर्ड लिए हम बी डी सी ट्राइंगल का, इस तरह से ए बी सी ट्राइंगल का अगर फर्स्ट हम थर्ड लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। तो इस तरह से बी सी अपन ए सी हो गया, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही होंगे। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी। इसके बाद सी डी इंटू ए सी बी सी इंटू बी सी हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन दो मान लेते हैं। इसके बाद अगर हम इक्वेशन वन और टू को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, तो इसे अभी लिख देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, यहाँ पर इक्वेशन वन में है ए डी इंटू ए सी और यहाँ पर है सी डी इंटू ए सी, ये दोनों का लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया। इस तरह से इक्वल टू देकर हम दोनों का जो राइट साइड है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने अभी लिख दिया ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर अभी ये देखिए ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, इन दोनों में ए सी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ए सी कॉमन लेने पर हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी, ये देखिए ए डी प्लस सी डी, ये दोनों को मिलाने से हमारे पास आ जाएगा ए सी, तो ए डी प्लस सी डी के बदले में हम लिख सकते हैं ए सी। इसके बाद ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको तो हमको प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर अभी अभी प्रूफ कर दिया, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का सम के साथ इक्वल हो जाएगा, तो हेंस प्रूफ भी हम लिख देते हैं यहाँ पर।